तो गाइस आज की स्मैकडाउन बहुत तगड़ी वाली हुई है और गाइस यहाँ पर बहुत बड़ा टैग टीम मैच ऑफिशियल हो चुका है हमारे चारों बंदों का। और गाइस वो चारों बंदे कौन है, वो है हमारे दारोक, रोमन रेंस और गाइस हमारे कोडी रोड्स और सेथ फ्रीकिंग रोलेंस। और गाइस आज की स्मैकडाउन में हमें क्या देखने को मिला, तो गाइस सबसे पहले तो हमारे स्मैकडाउन में यहाँ पर हमारे रोमन रेंस की एंट्रेंस देखने को मिली। और गाइस उनकी एंट्रेंस में काफ़ी ज़्यादा बू भी मिला पर सपोर्ट भी मिला, मतलब उनकी एंट्रेंस जो हर बार होती है उस तरीके से थी। पर गाइस इसके बाद फिर हमारे रोक की नई एंट्रेंस देखने को मिलती है और गाइस दारोक की एंट्रेंस थी भाई बिल्कुल कूल, बिल्कुल मतलब ट्विटर और हर जगह पर ना यहाँ पर इसकी काफ़ी ज़्यादा तारीफ चल रही है क्योंकि गाइस काफ़ी ज़्यादा अच्छी एंट्रेंस थी, आप भी यूट्यूब पर ऊपर जाकर देख सकते हो। गाइस इसके बाद क्या देखने को मिलता है, दोनों बंदे एक दूसरे की बात कर ही रहे थे, इतने बीच में है ना यहाँ पर है ना कोडी रोड्स का थीम सॉन्ग प्ले होता है। गाइस कोडी रोड्स यहाँ से निकल के आए अपने क्राउड के बीच में से जिस तरीके से शील्ड निकल के आती थी और गाइस उनके साथ ही निकल के हम आए सेथ फ्रीकिंग रोलेंस। और गाइस फिर चारों बंदे ने एक दूसरे को रिंग में आकर बिल्कुल फेस ऑफ करा और गाइस यहाँ पर एक एपिक मूवमेंट बिल्कुल बन चुका था। और गाइस इसके बाद फिर है ना बातें शुरू होती है, सबसे पहले कोडी रोड्स बोलते हैं कि भाई मैं काफ़ी अच्छा फील कर रहा हूँ कि भाई सबसे ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम बंदों के सामने खड़ा हूँ, साथ में खड़ा हूँ। तो गाइस इसके बाद फिर दारोक बोलते हैं कि भाई देख देर से मैं आ जाना, बिल्कुल क्लियर बात कर देता हूँ कि देख तेरा मैच होने वाला रोमन रेंस के साथ और उससे पहले हमारा एक टैग टीम मैच होगा और टैग टीम मैच के अंदर कभी तू जीत जाता है तो यहाँ पर ब्लड लाइन का कोई भी लेना देना नहीं होगा और अगर हम जीत जाते हैं तो पूरी तरीके से ब्लड लाइन का लेना देना नहीं, पूरी ब्लड लाइन इसके अंदर घुस जाएगी। तो गाइस इस तरीके से बात कर रहे थे और गाइस फिर इसके बाद है ना हमारे सेथ रॉलिंस से कहा कि भाई बंदे तू तो चुप ही रहना भाई, तू तो बोलना ही मत, मतलब दारोक ने ना सेथ रॉलिंस को बोले बिना ही कह दिया कि भाई तू चुप ही रहे क्योंकि तू बोलेगा ना तो कुछ ना कुछ खराबी बोलेगा। और गाइस इसके बाद फिर सेथ रॉलिंस को गुस्सा आ जाता है और सेथ रॉलिंस भाई बिल्कुल पगला जाते हैं और गाइस फिर दारोक से हर कुछ कहने लग जाते हैं कि तूने ना कुछ भी नहीं करा पिछले 20 सालों में ना, मतलब कि तू है क्यों यहाँ पर आया क्यों, क्योंकि ये हमारा टाइम है, ये हमारा एरा है। और गाइस फिर इसके बाद फिर रोमन रेंस की बारी आती है, भाई रोमन रेंस तो फिर अलग ही लेवल पे है भाई, उन्होंने सेथ रॉलिंस को बोला कि भाई तू कौन होता है इस मैच के बीच में बोलने वाला, क्योंकि यहाँ पर सेथ रॉलिंस है ना यहाँ पर चैलेंज भी कर लिया था एक्सेप्ट यहाँ पर दारोक का और कह दिया था कि भाई जो स्टिपुलेशन के साथ हम एक्सेप्ट कर रहा है टैग टीम मैच का चैलेंज। और गाइस इसके बाद रोमन रेंस उनको तगड़ा वाला रोस्ट मारते हुए ये कहा कि भाई तू कुछ भी नहीं है, तेरा कुछ लेना देना नहीं, तेरे को तो है ना बिल्कुल उस बंदे की तरह है ना ये स्टूपिड बंदा है जो कोडी रोड जो तेरे को साथ में लेकर चल रहा है। और गाइस फिर इसके बाद फिर है ना यहाँ पर है ना चीज़ें चलती रही और गाइस हमारे कोडी रोड भी बोलते हैं कि भाई तेरे को इसका कोई अधिकार नहीं है। और गाइस इसके बाद फिर हमारे दारोक है ना तगड़ा वाला रोस्ट पर टोस्ट मारने आते हैं, मतलब ये वाला रोस्ट तो उन्होंने ना ऑल टाइम फेवरेट रोस्ट में से एक बन गया भाई, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने रोस्ट मारते हुए कोडी रोड सबसे पहले कहा कि भाई तेरे फादर मतलब अमेरिकन ड्रीम को हमारे डस्टी रोड मैं उनकी काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, तुझे एक बात बता है भाई कोडी कि है ना तेरे को है ना तू सबसे छोटा लड़का है उनका, मतलब कि तेरे जो बड़े भाई है और जो तेरे सिस्टर है वो तेरे से 20 साल बड़े हैं तो तुझे पता है ऐसा क्यों है। और गाइस इसके बाद फिर हमारा रोक ने कहा कि भाई तू एक मिस्टेक है जब ही तू 20 साल बाद हुआ है। और गाइस फिर इसके बाद तो भाई क्राउड का वो तगड़ा वाला रिएक्शन निकल के आया। और गाइस इसके बाद फिर है ना हमारे कोडी रोड ने थोड़ी बहुत देर तो बिल्कुल घबरा गए, बिल्कुल बौखला गए। और गाइस फिर जैसे ही माइक उन्होंने रखा बिल्कुल और गाइस यहाँ पर एक बहुत कस के तमाचा मारा हमारे दारोक को। और भाई दारोक मतलब करीबन 2 से 3 फीट दूर मतलब कि हो गए, इतना तेज तमाचा पड़ा और भाई क्या ही क्राउड का रिएक्शन आया, मतलब बहुत ही एपिक था। और भाई देख के लग रहा है कि ब्रॉल चालू होगी पर गाइस यहाँ पर स्मैकडाउन ऑफ एयर चली गई, मतलब यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ। और गाइस इसके बाद ऑफलाइन वीडियोस में निकल के आ रहे जो ऑफ एयर हुआ गाइस यहाँ पर सिंपल से दारोक और रोमन रेंस चले गए, मतलब यहाँ पर कोई भी ब्रोल देखने को नहीं मिली, कोई झुमा झटकी, कोई भी चिल्ला चवड़ी कुछ भी देखने को नहीं मिला। तो भाई ये थोड़ा सा तो हल्का सा डिसअपॉइंटिंग था, बाकी भाई प्रोमो बोर्ड तो बहुत ही तगड़ी और बहुत ही एपिक लेवल की हुई, मतलब कि चारों बंदों ने बिल्कुल फाड़ के रख दिया। तो गाइस आज का आपको ये हमारा स्मैकडाउन का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और चैनल असल अल्टीमेट को ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए।